हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सब के लिए हम लोग जो न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए हो, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। आपका जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के द्वारा फिर से आपका जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हो गया है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको वेरी वर्स्ट पोस्ट में आप लोगों को न्यू वैकेंसी ही निकल के आ गया है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक बात पहले बता देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग स्टार्ट से कर एंड तक आप लोग देखना, सारी जानकारी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। आपसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं करूँगा और कुछ नहीं। और मैं दूसरा बोलना चाहता हूँ, तो आप लोगों को इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे आप लोग एग्जाम वगैरह देना पड़ता है, तो इसी के रिलेटेड मैं आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग बुक्स वगैरह का लिंक वगैरह दे दूंगा। आप लोग घर बैठे आप लोग अच्छी बुक्स वगैरह पर ऑफर्स आप लोग बाय कर सकते हैं। पर आप लोगों तो किसी को ऑर्डर करने के बाद बुक्स का क्वालिटी वगैरह अच्छे नहीं लगता, तो आप लोग सीधा ऑनलाइन में ही आप लोग रिफंड आपको मिल जाएगा आपको रिटर्न करने के बाद ही। तो ध्यान रखो, एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर आपको रिटर्न करना आपको होता है। तो डेट आपका मतलब आपका जो आपका 5 जून को स्टार्ट हो रहा है एंड 30 जून आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन अपलोड करने का। सो बस काफ़ी टाइम, तो प्लीज़ पहले एलिजिबल देखिए, उसके बाद आप लोग अप्लाई करने को स्टार्ट कर दीजिए। तो पहले अगर पोस्ट आपको जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग दौर है, इसमें आप लोगों सैलरी आप लोग देख सकते हैं, आपको 50,000 लेकर आप लोग 1,60,000 सैलरी पर मंथ आपको मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपको 93 पोस्ट आपको निकल के आ गया। मैक्सिमम एज का है 25 आपको दे दिया है एंड क्वालिफिकेशन का 4 ईयर फुल टाइम को रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कम्प्लीट करना होगा। एक और अच्छी बात है, इसमें कोई भी यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर के बच्चों के पास जो एक्सपीरियंस नहीं होता है आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते। इसमें बहुत अच्छी बात है, तो मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको तो सेम सैलरी वगैरह मिल जाएगा, 43 पोस्ट है। बट आप लोगों को मेज का आई भी सेम है, फुल ईयर सबको बीटेक कंप्लीट करना होगा आपको, जो बीबीटेक जो भी आपका होता है, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद है आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन आपको इंजीनियरिंग, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को टोटल 5 पोस्ट मिल जाएगा, इसमें आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करना इसी फील्ड में। दूसरा होता है आपको जो सिविल इंजीनियरिंग में सेम सैलरी वगैरह आपको मिल जाएगा एंड वैकेंसी आपको 10 वैकेंसी निकल के आ गया है एंड यहाँ पर भी आपको फुल टाइम बीटेक कंप्लीट करना होगा यहाँ पर आपको। दूसरा है आपका जो केमिकल इंजीनियरिंग में सेम सैलरी वगैरह टोटल 7 पोस्ट आपको निकल के आ गया है एंड यहाँ पर आपको 4 ईयर्स आपको इंजीनियरिंग कम्प्लीट करना होगा यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। दूसरा आपको जो सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ऑपरेशन मेंटेनेंस में, यहाँ पर आपको सेम सैलरी वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको 6 पोस्ट आपको निकल के आपको आ गया, जिसमें से एज का एज आपको 28 ईयर्स आपको दे दिया है एंड फुल टाइम यहाँ पर आपको बीपीटेक कंप्लीट करना मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन में। पर इसमें यहाँ पर आपको 3 साल के यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर को मांगा गया है। दूसरा आपका जो सीनियर ऑफिसर सिटी वगैरह जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है सिटी प्रोजेक्ट के बारे में, यहाँ पर सेम सैलरी वगैरह पर यहाँ पर टोटल 4 ही पोस्ट को निकाल के आपको मिल जाएगा एंड एज का 28 है। यहाँ पर आपको आपको 400 इंजन कंप्लीट करना होगा आप लोगों को मैकेनिकल आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 3 ईयर ऑफ इंजीनियर आपको एक्सपीरियंस आपको जारी किया गया है। दूसरा है आपको जो सीनियर ऑफिसर आप जो असिस्टेंट आपको मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको अच्छी तरह से ज़्यादा सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर आपको 12 ही पोस्ट आपको निकल के आए हैं। एज का आई टी आपको मैक्सिमम 29-32 वगैरह, इसमें आपको MBA एंड PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट कंप्लीट करना होगा सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेशन में, नहीं तो आपको आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करना होगा पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर 2 से 5 साल तक यहाँ पर आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, MBA में 2 साल और इंजीनियरिंग में 5 साल का यहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से मतलब यही आपको है। दूसरा आपको जो सीनियर मैनेजर वगैरह होता है नॉन फ्यूल बिजनेस में, यहाँ पर आपको 90,000 से लेकर 2,40,000 पर मंथ आपको मिल जाए, इसमें 2 ही पोस्ट निकल के आ जाएगा। एच का आई टी आपको 38 ईयर्स दे दिया, फुल टाइम MBA वगैरह सेल्स ऑपरेशन आप लोगों को और इंजीनियरिंग हर से होगा आप लोग, आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आपको केमिकल सिविल में करना हो, इसको इसमें आपको 11 आप लोगों को 11 साल एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए। दूसरा आपका जो पेट्रोकेमिकल में मैनेजर टेक्नीशियन में 80,000 से सैलरी पर मंथ मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को।
तो आपको तो आपको जो 2,20,000 रुपये पर मंथ एबार को दो ही फिगर से निकल का है। एज क्राइटेरिया है वो 34 वगैरह है। अब केमिकल पॉलीमर प्लास्टिक इंजीनियरिंग कंप्लीट करना होगा। आपको 9 एक्सपीरियंस लगेगा आपको 9 ईयर्स का। दूसरा आपका जो है आपको जो मैनेजर वगैरह सेल्स R&D प्रोडक्ट आपको जो कॉमर्सिएशन है आपको 8,000 से पर मंथ मिल जाएगा। और आपको दो ही पोस्ट निकाल के आया। आपको इसेंशियल 4 ईयर्स आपको डिग्री कंप्लीट करना होगा रेगुलर कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग में। 9 आपको ईयर्स आपको एक्सपीरियंस आपको लगेगा। दूसरा आपका जो डिप्टी जनरल मैनेजर वगैरह होटा कैटलिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट में, इसमें यहाँ पर आपको 1,20,000 लिखा हुआ, टोटल 2,80,000 पर मंथ से मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको एक ही वैकेंसी आपको निकल के आपको आया है। यहाँ पर आपको 45 आपको ईयर्स आपको एज का आइटम मिल जाएगा। दूसरा आपका जो इसेंशियल आपका जो क्वालिफिकेशन में देखते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में आपको 18 साल का एक्सपीरियंस आपको देना होगा। जो उसका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है इसमें भी आप लोग 50,000 से लेगा 60,000 1 लाख पहले मिल जाएगा। एंड आपका टोटल एंड टोटल वैकेंसी 29 वगैरह एज का है, 27 वगैरह क्वालिफाई फी इंस्टीट्यूट में आपको कम्प्लीट करना होगा। मैंडेटरी फॉर एडमिशन मेंबरशिप में ICAI आप लोगों को। दूसरा आपका जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर 50,000 लेकर 1,60,000 पर मंथ को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर आप लोग को 9 वैकेंसी निकल के आया है। एंड यहाँ पर आपको 30 ईयर्स एज का आईटी आपको मिल जाएगा। 2 ईयर्स ऑफ फुल MSc केमिस्ट्री एनालिटिक्स एंड ऑर्गेनिक। आपको जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक में चाहिए यहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपको जो फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट में है इसमें आप लोगों को IAS ऑफिसर में 15 वैकेंसी निकल के आया है। आपको 15 लाख पर एनम आपको सैलरी वगैरह आपको मिल जाएगा। एंड आपको इसेंशियल आपको एज का है 29 ईयर चाहिए। एंड इसेंशियल में आप लोगों को BBTEC या फिर कंप्यूटर साइंस IT में, नहीं तो आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट MCA में कंप्लीट आपको करना आपको होता है, ठीक है। दूसरा आए सिक्योरिटी ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वगैरह देखिए 36 लाख पर एनम आपको सैलरी मिल जाएगा। एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स तक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 4 ईयर्स BBTEC कंप्लीट आपको करना होगा IT में कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। और यहाँ पर आप लोगों को 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। दूसरा जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर टोटल 6 वैकेंसी से निकल के आए, इसमें आपको 10.2 लाख पर सैलरी चाहिए। ऑफिसर मैक्सिमम का रिटायरमेंट 2 ईयर्स फुल टाइम को MSc केमिस्ट्री एनालिटिक्स और फिजिकल में कंप्लीट करना होगा। 3 ईयर्स का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जो सैलरी वगैरह यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैंने भी बोला गया, अभी आप चेक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों को रिवेंट स्कीम वगैरह होता है यहाँ पर आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और बस चार्ट अकाउंट 50% फाइनल एग्जामिनेशन ग्रुप 1 एंड 2 एंड ऑल अदर पोजिशन मिनिमम 60% यूआर OBC एंड 50% SC ST OBC के लिए, ठीक है। और भी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह कुछ रोल वगैरह आपको रजिस्ट्रेशन आपको सेफ्टी वगैरह होना चाहिए। आप लोग देख सकते जो भी वर्क एक्सपीरियंस दे दिया है आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और मैं आपको विस्तार सब कुछ मैं बता दूंगा, मैं स्क्रॉल करके करके आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए, मैं आपको बराबर से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि PDF वगैरह बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही मैं आपके लिए बताऊंगा, बाकी सब मैं स्क्रॉल करके मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको CTC वगैरह देख सकते क्या क्या आपको मिल जाएगा, क्या क्या टेस्ट वगैरह आपको होगा, सब कुछ PDF में आपको मिल जाएगा। सो मेरे समझ आपको प्लेसमेंट पोस्टिंग वगैरह आपको जो रिटायरमेंट आपको आपको जो प्रोमोशन पेड वगैरह आपको प्लेसमेंट पोस्टिंग आपको रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दे दिया है। आप विस्तार से PDF आपको बस चेक भी कर सकते वगैरह है, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। खास तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ ये पर SC ST PDF से अप्लाई करने फी पर नहीं देना पर OBC UI EWS को अप्लाई करने के लिए आपको 1,000 रुपीज आपको देना पड़ता है। जो UPI नेट बैंकिंग से पेमेंट आप कर सकते वगैरह है, ठीक है। और लिंक वगैरह भी PDF को सब कुछ मैं वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए मैं अब चलता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।